साल 2047 तक भारत को विकसित भारत और साल 2030 तक इंडियन रेलवे को एक मॉडर्न रेलवे नेटवर्क बनाने का लक्ष्य, यानी सिर्फ 7 साल में भारतीय रेलवे का रंग रूप चाल ढाल सब बदल जाएगा। जैसी ट्रेन पटरी और रेलवे स्टेशन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे विकसित देशों में है, वैसी ही या ये कहें उससे भी आगे निकलने के लिए भारतीय रेलवे प्लान 2030 लेकर आया है, जिसे नाम दिया गया है नेशनल रेल प्लान विजन 2030। इस प्लान में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, सेफ एंड सिक्योर सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन, हाइड्रोजन ट्रेन, 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक और वर्ल्ड क्लास मॉडर्न रेलवे स्टेशन शामिल हैं। द ड्राफ्ट के आज के एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि 1853 में भाप इंजन की मदद से शुरू होने वाली इंडियन रेलवे कैसे हवा से बातें करने वाली है और अगले 7 साल में ये कैसे दुनिया की सबसे मॉडर्न रेल बन जाएगी। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड क्लास मॉडर्न स्टेशन की। ये तस्वीर भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की है। 450 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया ये रेलवे स्टेशन यूरोप, अमेरिका और चाइना के रेलवे स्टेशन को टक्कर देता है। ये दूसरी तस्वीर गांधीनगर रेलवे स्टेशन की है। 5-स्टार होटल, लाउंज, पार्किंग और हर वो सुविधा जो किसी मॉडर्न देश के मॉडर्न एयरपोर्ट पर हो सकती है, वो सब गांधीनगर रेलवे स्टेशन में मिल रही है। एयरपोर्ट की तरह हाईटेक इस रेलवे स्टेशन को तैयार करने में 750 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये दो तस्वीर सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अगले कुछ साल में देश के 1309 रेलवे स्टेशन ऐसे ही हाईटेक बनने वाले हैं, जिसके लिए 508 रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी जा चुकी है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके जिले का रेलवे स्टेशन भी हाईटेक रेलवे स्टेशन में बदलने वाला है। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के इतिहास में सबसे बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 24,470 करोड़ रुपए की लागत से 27 राज्यों में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट को अमृत भारत स्टेशन योजना का नाम दिया गया है। फर्स्ट फेज में 508 और सेकेंड फेज में बाकी के रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होगा। इस योजना से पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को हरी झंडी मिल चुकी है। 4500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दुनिया के सामने एक मिसाल होगा। 1,50,00,000 वर्ग मीटर में बनने वाले इस रेलवे स्टेशन से एक दिन में 5,00,000 यात्री आ जा सकेंगे। इसका मॉडल बनकर तैयार है और टेंडर भी हो चुका है, बस काम शुरू होना बाकी है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन के बाद अब बात उस इंडियन इनोवेशन की जिसकी चर्चा आजकल सबसे ज्यादा है, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चेयर कार के सुपर सक्सेस के बाद इंडियन रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर वर्जन का मेगा प्लान तैयार किया है। रेल मंत्रालय ने अगले 4 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की प्लानिंग की है। अगर ऐसा हो गया तो ये इंडियन रेलवे के रिफॉर्म का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट होगा। रेलवे के 2,40,000 करोड़ रुपए के बजट में बड़ा हिस्सा इसी में खर्च किया जाना है। इतना ही नहीं, 200 वंदे भारत ट्रेन के लिए टेंडर भी जारी हो चुके हैं, जिसमें से 120 वंदे भारत स्लीपर कैटेगरी की हैं। रूस की एक कंपनी को 35,000 करोड़ का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। वंदे भारत स्लीपर की स्पीड मौजूदा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 220 किलोमीटर प्रति घंटा करने की कोशिश है। कोशिश ये भी है कि मार्च 2024 तक देश को पहली वंदे भारत स्लीपर मिल जाए। वंदे भारत स्लीपर का मतलब ट्रेन में बर्थ की व्यवस्था, जिससे यात्री सोकर सफर कर सकें। अभी तक जितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं उनमें चेयर कार्स हैं, जहां आप सिर्फ बैठकर सफर कर सकते हैं, लेकिन बर्थ की सुविधा मिलने से लंबे रूट पर इस ट्रेन की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ेगी। इसके लिए रूट भी फाइनल किया जा चुका है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली और मुंबई के बीच चलाई जा सकती है। ट्रैक का काम आखिरी चरण में है। अभी दिल्ली से मुंबई के बीच यात्री ट्रेन को कम से कम 16 घंटे लगते हैं, जिसे घटाकर 12 घंटे करने की कोशिश है। अब तक देश में सिर्फ चेन्नई की ICF कोच फैक्ट्री में ही वंदे भारत बनती थी, लेकिन टारगेट अचीव करने के लिए हरियाणा के सोनीपत, महाराष्ट्र के लातूर और यूपी के रायबरेली में वंदे भारत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इंडियन रेलवे का लगातार विस्तार हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इस साल के अंत तक ऐसी ट्रेन चलने वाली है जिसे देखकर आप बाकी ट्रेनों को भूल जाएंगे। हवा यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दिसंबर 2023 से शुरू होने वाली है। सरकार ने बजट में 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। 8 रूट्स को हाइड्रोजन ट्रेन के लिए फाइनल कर लिया गया है।
सबसे पहले यह हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इसमें शुरुआत में सिर्फ 6 कोच होंगे। इसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान रेलवे, कांगरा घाटी, बिलमोरा, वाघई और मारवाड़ देवघर मदारिया रूट पर चलेगी। ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर दौड़ सकती है। रेलवे के कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इन ट्रेनों को तैयार किया जा रहा है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये धुआं नहीं छोड़ती, यानी जीरो पॉल्यूशन। अगर लागत की बात करें तो ये डीजल ट्रेन के मुकाबले थोड़ी महंगी है। एक ट्रेन की लागत करीब 80 करोड़ रुपए आने का अनुमान है, जबकि एक रूट के ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रेल भी कहते हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होने के बाद रेल से सफर का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 और वंदे भारत स्लीपर मार्च 2024 तक पटरियों पर दौड़ने लगेगी। लेकिन जिस एक ट्रेन का इंतजार भारत को सबसे ज्यादा है वो है बुलेट ट्रेन। अगर सही मायनों में देखा जाए तो बुलेट ट्रेन ही भारत जैसे देश का फ्यूचर है, और इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, बड़ा क्षेत्रफल और दूसरा, बढ़ती आबादी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2017 में बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई थी और जिसे साल 2022 तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना के कारण करीब 2 साल काम पूरी तरह से बंद रहे। नतीजा ये हुआ कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगती गई। लेकिन अब कोरोना खत्म होने के बाद पिछले 1 साल से बुलेट ट्रेन ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। रेलवे का दावा है कि गुजरात में 40% काम और महाराष्ट्र में करीब 15% काम पूरा हो चुका है। भारत के पहले हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर है। इसमें 12 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसका शुरुआती बजट 1.08 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन देरी के कारण बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी परेशानी भूमि अधिग्रहण की समस्या थी, जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बुलेट ट्रेन के रास्ते में 24 नदी वाले पुल हैं, जिसमें से 20 गुजरात और बाकी बचे हुए 4 पुल महाराष्ट्र में हैं। इन पुलों का निर्माण तेजी से चल रहा है। अगले 1 साल में सारे पुलों के बन जाने की उम्मीद है। 1.08 लाख करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में भारत को जापान से मदद मिल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 2026 तक सूरत से बिलिमोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने का टारगेट रखा गया है। ऐसा होते ही भारत 15 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा, जिनके पास हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है। बुलेट ट्रेन में भले ही अभी कुछ सालों का इंतजार है, लेकिन इसी साल भारत में रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा। भारत में अभी 65,350 किलोमीटर ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक है। जून 2023 तक 59,096 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अगले साल की शुरुआत में 100% काम पूरा कर लिया जाएगा। वैसे तो आपके और हमारे रेल सफर में इलेक्ट्रिफिकेशन का फायदा हमें भले ही पता न चले, लेकिन स्टडी कहती है कि रेल ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन से भारत हर साल 30,000 करोड़ रुपए बचा सकता है, और ये 30,000 करोड़ रुपए डेवलपमेंट में काम आ सकते हैं। इन फ्यूचर प्लान्स के अलावा इंडियन रेलवे अपनी कमाई को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साल 2022 में इंडियन रेलवे ने यात्री किराए से 39,000 करोड़ रुपए और माल भाड़ा से 1,39,000 करोड़ रुपए कमाए। हर दिन 12 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और अगले साल से 16 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है। शायद इसीलिए पिछले 9 सालों में सरकार का फोकस रेलवे पर बढ़ गया है। यही कारण है कि 2013 में जिस रेलवे का बजट 63,363 करोड़ रुपए था, 9 साल बाद ये करीब 4 गुना ज्यादा 2,40,000 करोड़ रुपए हो गया है। और अब इन पैसों से नेशनल रेल प्लान विजन 2030 को पूरा करने की कोशिश हो रही है। रेलवे के गेम चेंजर प्लान पर आपको हमारा ये ड्राफ्ट कैसा लगा, हमें ये जरूर बताइए। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, इससे हम और बेहतर कंटेंट तैयार कर पाएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए।